राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, जहां बीते 6 दिनों से भारी संख्या में अभ्यर्थी SCERT कार्यालय पहुंचकर अपने हकों की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में कई अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में अभ्यर्थियों को देखकर प्रशासन की भी नींदें उड़ गई। इस प्रदर्शन को देखते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि 21 दिसंबर को उनकी अध्यक्षता में अभ्यर्थियों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का आज 6ठा दिन है, जो अभ्यर्थी आरक्षण की मांग को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर गए थे, लेकिन वहां से इनको इको गार्डन भेज दिया गया। आइए हम बात करते हैं, कुछ हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं कि वो लोग आखिर किस उसको लेकर यहां पे धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ एक महिलाएं हैं जो अपने बच्चे को लेकर यहां धरना स्थल पर हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? रजनी कुशवाहा। मैम आप लोग 6 दिन से धरना दे रही हैं आरक्षण को लेकर, अभी तक क्या हुआ? आश्वासन दिया गया था कल के लिए, वो भी टाल दिया गया, अब मंडे को बुलाया गया है। हम लोग इतने दिन से यहाँ परेशान है, बच्चा भी बीमार है, उसको लिए हैं, लेकिन जाकर करें भी क्या करें? हमको आखिर कब तक कहा जाएगा? हमें जब तक उम्मीद नहीं देंगे या हमसे कहेंगे नहीं कि हम आपको आरक्षण वापस करेंगे, या हम जब आपके मानक पूरे कर रहे हैं तो हमको आप नौकरी दीजिए, हम तभी यहाँ से जाएंगे, वरना हम जाएंगे नहीं। कहाँ से आप आई हैं? हम कानपुर से आए। कानपुर से। मैम आप 6 दिन से लगातार यहाँ पे धरना, आपके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन आप अभी तक किसी अधिकारी या किसी बातचीत आप लोगों की हुई कि नहीं हुई? हाँ, आज सुबह हुई थी, माननीय श्री स्वतंत्र देव जी से हुई थी। उन्होंने कहा है कि मतलब सोमवार के लिए बोला है उन्होंने, अब हम उनसे मतलब मुलाकात करके ही या उनके आश्वासन पर ही यहाँ से मतलब जब कुछ ठोस उसका निर्णय देंगे तभी हम जाएंगे यहाँ से, वरना हम ऐसे ही देंगे। ये मैडम बोल रही हैं कि जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब आश्वासन हमको मिलेगा किसी भी अधिकारी या कर्म अधिकारी से कि हमें आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेकर जैसा भी होगा हम उसी के बाद धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। KKD न्यूज़ के लिए विनय मिश्रा, लखनऊ।